नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल, और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कमल नंदलाल के महा उपाय आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए। और आज हम बात करेंगे विशेष शनि दोष का महा उपाय, आपके शनि के दोष को दूर भगाएगा। कमल नंदलाल का महा उपाय शनि दोष को दूर भगाए। जी हाँ, शनि ने अपनी राशि परिवर्तन कर लिया है और सभी लोग शनि से बहुत डरते हैं। शनि न्याय का ग्रह है ना, तभी तो शनि को सर्वाधिक माना जाता है। न्याय के देवता शनि, न्याय प्रिय शनि, न्यायाधीश शनि, भगवान शंकर के चेले शनि, और शनि काल हैं तो महादेव कालाधिकाल, कालों के काल हैं। और ये न्यायाधीश का जो पद है उन्हें स्वयं देवाधिदेव महादेव ने दिया है, और महादेव के वर के कारण ही वो सभी व्यक्तियों के, सभी जीवों के कर्मों का फल भी देते हैं। और शनि से पीड़ा किसको मिलती है? कुछ लोग साढ़े सती से गुजर रहे हैं, कुछ लोग अढ़ैये से गुजर रहे हैं, कुछ लोग शनि की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्मांतर दशा और प्राण दशा, इतनी सारी दशाओं से गुजर रहे हैं। कईयों के कालचक्र दशा के अंदर, तो कईयों के अंदर वंशोत्तरी में शनि है। शनि कहीं ना कहीं आपके जीवन में जरूर है, और दिन में कम से कम एक बार तो सही शनि जो है काल का चौघड़िया भी ले आते हैं। जी हाँ, काल का चौघड़िया शनिवार के दिन दो बार, मतलब दिन में, और रात्रि अगर मानूं तो तीन बार तो कम से कम शनिवार के दिन आ जाता है। और इसी प्रकार दिन में कम से कम दो बार काल का चौघड़िया आ जाता है, यानी कि शनि का समय आ जाता है। तो शनि पीछा नहीं छोड़ते, शनिवार के दिन तीन बार और बाकी दिन दो बार तो काल का चौघड़िया रहता ही रहता है। और रात्रि में एक समय ऐसा भी कहा गया है जिसको काल रात्रि कहा जाता है। क्या आप ये जानते हैं? काल रात्रि एक ऐसा समय है जब शनि अपने पांव पसार लेते हैं रात के समय पे। वो समय ऐसा समय है जिस समय किया गया काम हमेशा अटकता है, इसलिए रात के समय पर कुछ एक ऐसे काम हैं जो मुहूर्त देख कर किए जाते हैं। तो शनि के कोप से बचने का महा उपाय क्या हो सकता है सभी राशियों के लिए कॉमन, वो आज हम आपको बताएंगे। देखिए, शनि खराब कब होता है? जब व्यक्ति उस ऐसे कर्म कर ले जो उसे नहीं करना चाहिए, सुस्ती आ जाए उसके मन में, वो बहुत सुस्त हो जाए, नहाए धोए नहीं, अपने आप को गंदा रखे, शेव वगैरह ना करे, बाल ना कटवाए, हाँ तब शनि खराब हो जाता है। दूसरों का पैसा खाने से शनि खराब हो जाता है, दूसरों पर अत्याचार करने से शनि खराब हो जाता है, मजदूरों का पैसा खाने से शनि खराब हो जाता है। मान लीजिए आप थ्री व्हीलर में बैठकर कहीं गए और आपने ऑटो वाले को पैसे कम दिए, बोले नहीं भैया नहीं देने, या जो साइकिल रिक्शा चलाते हैं उनको आपने पैसे कम दे दिए, मेहनत कश मजदूर के आपने पैसे रोक लिए, आपके घर में बाई काम करती है, आपके घर में रसोईया है, ड्राइवर काम करता है, अगर उसने अगर आपने उसके पैसे रोक लिए तो आप ये समझ लीजिए आपका शनि खराब हो गया। शनि खराब कब होता है? जब आप किसी मजदूर का, मेहनती व्यक्ति का पैसा रोकें। शनि खराब तब होता है जब आप शनिवार के दिन लोहा, लक्कड़, कोयला, नमक, कुछ ऐसी चीज़ें परचेस कर लें तो शनि आप पर भारी हो जाता है। ये शनि की चीज़ें हैं। शनि अच्छा कब होता है? जब आप उदार हो जाएं, जब आप मेंटली फ्री हो जाएं, जब आप परमेश्वर की शरण चले जाएं और अपने सभी कर्म परमेश्वर को सपोर्ट कर दें। ये कब होता है? क्या एक आदमी जो लिकर लेता है वो लिकर पी के मंदिर जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं ये भाव जरूर आएगा कि मैंने गलत काम किया है। आप गलत काम करना बंद कर दीजिए, शनि अपना असर दिखाना बंद कर देगा। शनि के असर को बेअसर करने के लिए विशेष एक उपाय है, और वो उपाय बेसिकली किया जाता है काले शिवलिंग पर। शनिवार के दिन एक काला शिवलिंग, और शनिदेव कम से कम एक हफ्ते के लिए आपसे रुष्ट नहीं होंगे, बिल्कुल तय लिख लीजिएगा। करना क्या है आपको? किसी भी शनिवार के दिन अपनी छाया तेल में देखकर काले शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। शनि आप पर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं देंगे, तेल होना चाहिए ये तिलका और चढ़ाएं से शिवलिंग पर।
तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें इसको तक, अपने मित्र अपने सखा अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए, नमस्कार।